उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी हैं और यही वजह रही कि अब यात्रा को पटरी पर वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाल ली है और मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव अब तक यात्रा से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन और पुलिस के अधिकारियों को सड़क से ग्राउंड जीरो पर यात्रा की व्यवस्थाएं देने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वो यातायात व भीड़ प्रबंधन के लिए निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसलिए खुद कमान संभालनी पड़ी क्योंकि धामों में आई भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन और पुलिस दोनों के हाथ पांव फूलने लगे। इसलिए ऐसे में कोई बड़ी अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक ना तो पर्यटन मंत्री कहीं नजर आए और ना ही पर्यटन सचिव। वहीं यात्रा मार्ग में फंसे यात्री क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। और ये रूट बता रहे हैं कि ये जो है ना कि नहीं आ रही है गाड़ियाँ, वापस क्यों नहीं आ रही है? आखिर जब गई गाड़ियाँ दो दो दिन से नहीं आई, एक दिन से नहीं आई, इनका तो व्यवस्था होना चाहिए था। और कोई भी आदमी आप देखे होंगे कि भी कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं, कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर, आप भी आए होंगे यहाँ से, कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर रोड पर नहीं दिखेगा, सारे एयर कंडीशन में, सब मजे ले रहे हैं। उत्तर काशी के क्षेत्र में प्रवेश किया है, यहाँ के स्थानीय पुलिस और होटल एसोसिएशन का कोई ऐसा एक दूसरे का कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड के तहत सबको रोक रोक करके, ये पहले बीच में तो दो जगह ये कहा गया कि यदि आपका कोई होटल उत्तरकाशी में है उसके पहले कोई बुक है तो आपको जाने दिया जाएगा। फिर अमेरिका में हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, कहा हम नंबर दे देते हैं होटल वालों को, होटल वालों को नंबर देंगे, होटल वाले पैसे मंगाएंगे, होटल वालों को पैसे डाले जाने पर होटल वाला कहेगा भाई हम 5,000 रुपये प्रति कमरे के लेंगे। सीएम धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर यात्रा को सुव्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया और अधिकारी को फटकार लगाते हुए ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिसकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाएं, क्योंकि लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने उठाया कठोर कदम। आगामी दिनों में रजिस्ट्रेशन किए गए यात्रियों को अपने तय समय पर ही यात्रा करने के लिए कहा गया है और अगर वो पहले आ रहे हैं तो उन्हें बिना दर्शन के वापस भेज दिया जाएगा। धामों में 50 मीटर की परिधि पर कोई भी श्रद्धालु मोबाइल फोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया पर रील नहीं बना पाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। भीड़ ज्यादा होने पर ऑफलाइन पंजीकरण 19 मई तक बंद कर दिए गए। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिए गए निर्देश पर अब अमल होना शुरू हो चुका है और ग्राउंड जीरो पर भी सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्री आया है, तो जो दो तीन दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है उत्तरकाशी से। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य के भीतर सियासत भी गर्म है। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। सभी विभागों के अकेले ही जो है जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनको जो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी मुझे लगता है कि सहयोग कर ही नहीं रहे या स्वयं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का सहयोग नहीं ले रहे हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं निश्चित तौर पर वो कटु अनुभव लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पर ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसे बचा जाना चाहिए था और समय रहते पर्यटन विभाग को जो है इसकी तैयारियां करनी चाहिए थी, अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए था। अगर हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री को ही उठाने पड़ेगी तो ये इतना बड़ा सरकारी अमला अधिकारियों का और मंत्रियों का किस लिए है? लाखों श्रद्धालु जो हैं आकर चारों धामों में दर्शन लाभ लेकर पुण्य लाभ लेते हैं और जहाँ तक ये आपने अभी जो चार यात्रियों की बात बताई निश्चित रूप से ये देखिए दुखद है, लेकिन हमारी जो अपनी ओर से जो स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है कि जिनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो यात्रा ना करें
और अभी लगातार जिस तरीके से जो क्राउड को लेकर भी चिंता जताई गई है उसमें भी हमारा साफ कहना है कि आप लोग हॉल्ट लें और रुक रुक कर जो है अपनी यात्रा को पूरी करें। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और आर्थिक पर्यटन का प्रमुख जरिया है, ऐसे में यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए जो काम पर्यटन विभाग को करना चाहिए था वह काम अब सरकार कर रही है, क्योंकि ना तो पर्यटन विभाग कहीं धरातल पर दिख रहा है और ना ही पर्यटन मंत्री नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रा को संभाले तो संभाले कौन? वो तो शुक्र है कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कुशल राजनेता हैं और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में उन्होंने अब यात्रा को सही करने का बीड़ा उठा लिया है और उनके मैदान में उतरते ही अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं।